का हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता। कॉपी भाई कल से अलग बना लीजिएगा इसकी भी, यानी कि हिंदू ला, मुस्लिम ला और उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की कॉपी अलग अलग बना लीजिए। आइए इतिहास देखा जाए। पहले सबसे पहले संपत्ति विधि का इतिहास देखा जाता है और उसके बाद से अन्य बातें पढ़ी जाती हैं, यानी कि कानून के पहले आपका कानून की कुछ बातें हमें देखनी है। एकदम हम प्राचीन काल से इसका इतिहास उठा रहे हैं और प्राचीन काल से हम इसको लेकर चलेंगे। आपका देखिए, जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में आपका संपत्ति को लेकर ज़्यादा विवाद नहीं थे। विवाद इसलिए नहीं थे कि जनसंख्या कम थी और संपत्ति ज़्यादा थी। लोग आपका मुस्लिम ला में भी बताया गया कि सामान्यतः लोग एक जगह अस्थाई निवास नहीं करते थे, आपका किसी और कंदमूल फल पत्ती ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे आपका कृषि का विकास होता है और लोग कृषि करना शुरू करते हैं, तो उसमें भी शुरुआती दौर में अब जमीन या जायदाद या भूमि किसकी है तो आपका ये माना जाता था कि जो सबसे पहले किसी जमीन पर कब्जा जमा लिया उसी की जमीन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो घास और इत्यादि को किसी जमीन पर से साफ किया और बीज बो दिया उसकी वह जमीन हो जाती थी। जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपका समाज का विकास होता है, विकास के साथ साथ भूमि महत्वपूर्ण हो जाती है और भूमि को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात लोग अस्थाई निवास भी करने लगते हैं। इसी प्रकार इसी समय कृषि भूमि का भी विकास होता है और कृषि भूमि के विकास के साथ साथ कृषि भूमि की सीमाओं का विवाद उत्पन्न होता है। कौन किसकी भूमि है इसका विवाद उत्पन्न होता है और इसी बीच सरकार और राजा जो सम्राट थे वह किसानों पर अब नज़र भी गड़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो शुरुआती दौर का मामला है वह ये है कि प्राचीन हिंदू विधि के तहत धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को सामान्यतः उपज का 1/6 हिस्सा किसानों से लेने का अधिकार था और आपातकाल में वह 1/4 हिस्सा ले सकते थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसान अन्न उत्पन्न करता था तो 1/6 हिस्सा उसे राजा को देना पड़ता था। यानी कि अगर आपका 90 किलो अनाज उत्पन्न किया है अपने जमीन में तो 15 किलो उसे राजा को देना पड़ता था। आपका राजा इस लिए ये सब आपका मने अनाज का अंश लेता था क्योंकि राजा आपका किसानों की भूमि की रक्षा करता था विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि थी वह किसानों की थी, प्राचीन काल में व्यक्तियों की थी, राजा को उपज के अंश में से कुछ अंश दिया जाता था, इसलिए नहीं कि राजा उसका मालिक है, इसलिए दिया जाता था कि राजा किसानों की रक्षा करता था, उनकी भूमियों की रक्षा करता था, किससे? विदेशी आक्रांताओं से, यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनसे वह किसानों की क्या करता था, रक्षा। चलता रहा मामला, चलता रहा। अब आपका मुस्लिम काल आ गया और मुस्लिम काल में जो ये उपज का हिस्सा था ये हिस्सा बढ़ा दिया गया, यानी कि जो उपज का हिस्सा था
अब मुस्लिम काल में ये हुआ कि जो भी किसान अपनी जमीन में उपज करेंगे उसका 1/3 हिस्सा सरकार को यानी कि सम्राट को या सल्तनत को देंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 किलो गेहूं जमीन में उत्पन्न हुआ तो आपको 30 किलो गेहूं किसको देना पड़ता था? सम्राट को। लेकिन कभी काल आपका जो औरंगजेब ने इसे मालगुजारी कहा जाता था, इसे कहा क्या जाता है? मालगुजारी। औरंगजेब ने इस 1/3 हिस्से को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर आप 100 किलो गेहूं अपने ज़मीन में उत्पन्न करते हैं तो उसमें से 50 किलो किसको मालगुजारी के रूप में देना पड़ेगा? सरकार को या सम्राट को। यह औरंगजेब के काल में आया। फिर आपका अंग्रेजों का काल आता है, और अंग्रेजों, हाँ, इसके बाद अकबर का काल आता है। अकबर के काल में आपका जो कह सकते हैं जो भूमि को देखता था मंत्री, वह टोडरमल था। और टोडरमल ने आपका एक काम किया कि जो भूमि थी उसको 4 वर्गों में बांट दिया आपका। और किस भूमि से कितनी माल गुजारी या किस भूमि से कितना उपज का अंश सरकार को या राजा या सम्राट को दिया जाए, यह उस भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर निर्धारित किया गया। और भूमि को आपका 4 वर्गों में बांट दिया गया, और उर्वरा शक्ति के आधार पर मालगुजारी का निर्धारण टोडरमल ने किया। और आज भी जो टोडरमल की व्यवस्था थी कि जिस भूमि की उर्वरा शक्ति ज़्यादा है उस पर मालगुजारी या भू राजस्व ज़्यादा, और जिसकी आपका कम है उस पर आज भी क्या टैक्स लेती है सरकार? कम। आज भी जो टैक्स लिया जाता है, रेवेन्यू सरकार वसूलती है, वह उर्वरा शक्ति के आधार पर ही वसूलती है। और ये जो उर्वरा शक्ति का सिद्धांत आया ये अकबर के मंत्री टोडरमल ने दिया। तत्पश्चात अंग्रेजों का काल आया। अंग्रेजों के काल में लॉर्ड कार्नवालिस आया, जिसने अस्थाई बंदोबस्त का क्या किया? प्रावधान। अब देखिए, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस ही अस्थाई बंदोबस्त का प्रावधान किया, तो अस्थाई बंदोबस्त में होने क्या लगा, ये थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए, इधर आपका सम्राट या राजा थे, इधर आपके किसान थे, और आपका शुरुआती दौर में 1/6 हिस्सा हिंदू विधि में। आपातकाल में सम्राट कितना उपज पाता था मालगुजारी? 1/4। मुस्लिम काल में इसे कितना किया गया? 1/3। औरंगजेब ने कितना किया? 1/2। अकबर के काल में बंटवारा कर दिया गया, भिन्न भिन्न भूमियों के लिए भिन्न भिन्न मालगुजारी रखी गई उर्वरा शक्ति के आधार पर। फिर आपका कार्नवालिस आता है, और लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किया, और अस्थाई बंदोबस्त एक आपका बीच में एक वर्ग सृजित किया गया। यानी कि सरकार और किसानों के बीच जो सीधा संबंध था वह अब सीधा न रहकर आपका प्रत्यक्ष न रहकर अप्रत्यक्ष हो गया। और इसमें जो बीच में आए तालुकेदार, जमींदार, या आप कह सकते हैं मध्यवर्ती, एक जमींदार जमींदार वर्ग का क्या हुआ? उद्भव हुआ। तो जमींदार करते क्या थे और जमींदार आपका करते क्या थे, यहीं से आपका थोड़ा नियम चेंज होगा। याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त यानी कि ये जमींदार आपका सरकार से, या तालुकेदार या मध्यवर्ती कहिए, ये जो बड़े लोग थे जो जमींदार थे ये सरकार को भू राजस्व देते थे, और लोगों से
लगान वसूलते थे, यानी कि जैसे कि 5 जिले अंग्रेजी सरकार से एक जमींदार ने ले लिया और अंग्रेजी सरकार को तय हो गया कि इन 5 जिलों से हम इतना पैसा आपको देंगे और इन 5 जिलों में किसानों से लगान हम वसूलेंगे, लगान कितना वसूलेंगे ये आपके बस की बात नहीं है, ये हम तय करेंगे ज़्यादा। और जमींदार किसानों से क्या वसूलते थे, लगान, और भू राजस्व किसको देते थे, आपका कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार को। अब होने क्या लगा, देखिए आपका जो किसानों की अब तक जमीन चली आ रही थी, जमींदार किसानों का शोषण करने लगे, जो किसान भू राजस्व लगान नहीं दे पाता था उसकी जमीनें छीन लेते थे जमींदार और अपनी जमीनें कर लेते थे। तो आप पढ़े भी होंगे कि एक एक व्यक्ति के पास छः छः 1,000 बीघा, तो 2,000 बीघा, तो 10,000 बीघे की जमीन है। आपका ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हुआ कि जो किसान लगान नहीं देते थे ये जमींदार उनकी जमीनें अपने नाम कर लेते थे, यानी कि लगान नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था क्योंकि ये जमींदार सरकार को पैसा दे देते थे, यानी कि इसका मतलब कि सरकार को क्या देते थे, आपका कह सकते हैं कि भू राजस्व। अब हुआ क्या कि आपका मैंने ये चलता रहा मामला, अब फिल्म भी बनी है, लगान फिल्म बनी है, और आप देख सकते हैं कि लगान की माफ़ी के लिए या लगान कम किया जाए क्या क्या नहीं उपाय किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, कि अगर बारिश नहीं हुई, जमीन में अन्न ही नहीं उत्पन्न हुआ तो हम लगान कहाँ से देंगे, और लगान अगर नहीं दिए तो सरकार क्या कर लेगी, आपका जमीन क्या कर लेगी, आपका ये जमींदार छीन लेंगे जमीन। तो आप इसीलिए लगान फिल्म बनी, क्रिकेट मैच हुआ कि हम जीतेंगे तो लगान माफ और आप जीतेंगे तो लगान माफ नहीं होगा, आपका इसी पर तो बनी है फिल्म लगान फिल्म, और आपका शोषण करते थे। अब आपका अंग्रेजों के काल में जो काश्तकारी थी, यानी कि खातेदार थे, आपका टोटल लगभग 14 प्रकार के खातेदार थे। अब थोड़ा नियम चेंज करिए, अंग्रेजों के काल में जो खातेदार या जो जमीन के स्वामी थे, जमीन के हकदार व्यक्ति थे, वह 14 प्रकार के थे, यानी कि 14 प्रकार के ऐसे काश्तकार या कृषक या जमीन के मालिक कहिए, खातेदार कहिए थे, जिनका जमीन पर कब्जा या स्वामित्व था, लेकिन जो जमीन पर अधिकार था वह भिन्न भिन्न अधिकार था, यानी कि टोटल 14 प्रकार के किसान थे सामान्य भाषा में, जिनमें से कुछ किसान केवल कब्जा रखते थे, कुछ केवल फसल उगा सकते थे, कुछ किराएदार थे, तो कुछ किसान ऐसे भी थे जो जमीन के मालिक भी थे, और कुछ किसान ऐसे भी थे जिसकी लगान माफ हो गई थी, यानी कि आपका खुश थे क्योंकि लगान उस जमीन के देने की आवश्यकता नहीं। तो कितने प्रकार की काश्तकारियाँ या आपका थी, 14 प्रकार। इसी बीच भारत आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद समाजवाद आपका जोर पकड़ता है, क्योंकि हमने प्रियम्बल में ही आपका समाजवाद शब्द भले बाद में रखा गया हो, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे उसमें ये कहा गया है कि आय की असमानता को राज्य क्या करेगा, कम करेगा, एक जगह संपत्ति का संकेंद्रण न हो, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा जमीन न हो। अब इसके लिए तमाम राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश भी आपका कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया था,
और उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को तीन प्रांतों को मिलाकर और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की जाती है। तो जीएस के लिए भी क्वेश्चन याद रखिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। अवध था, संयुक्त प्रांत इसके पहले नाम था, बनारस था। इन सबको क्या किया गया? एक जगह एकत्र। उतना इतिहास हमें नहीं जानना, हमें भूमि भी देखना है कि कैसे भू राजस्व इत्यादि खातेदार या जमीन के मालिक होते हैं, हमें वे देखना है न कि। लेकिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया और कई प्रांतों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। एक राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, वह है आपका उत्तराखंड। यानी कि स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और एक राज्य क्या हुआ? अलग। उसका नाम आपका उत्तराखंड है, देख ही रहे हैं आप, जानते भी हैं। तत्पश्चात अब आइए आगे कहानी बढ़ाई जाए। अब ये हुआ कि जो ये जमींदार हैं, मध्यवर्ती हैं, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, तो आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है परती पड़ी है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जमीन ही नहीं है, भूखे मर रहा है। तो क्या ये समाजवाद आएगा? नहीं। समाजवाद ये कहता है कि समाज में आपका हैसियत के अनुसार सामानों का वितरण किया जाए, संपत्ति का वितरण किया जाए, एक व्यक्ति के पास ही ज़्यादा संपत्ति एकत्रित न हो। अतः सरकार ने इसके लिए आपका कह सकते हैं एक समिति बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक भूमि सुधार समिति बनाई गई। इसके उपाध्यक्ष हुकुम सिंह रखे गए और तत्पश्चात इस समिति ने आपका कह सकते हैं कार्य किया। अन्य सदस्य थे और इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि अब नया कानून बनाया जाए। जो नया कानून बनाया गया वह था उत्तर प्रदेश आपका जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि विकास अधिनियम 1950। यानी कि शॉर्टकट में उसे कहा जाता है यूपी जेडे, यानी कि आपका ZLR, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 है भाई, 50 नहीं है। फिर एक बार देखिए, उत्तर प्रदेश आपका जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 आपका पारित किया गया उत्तर प्रदेश की आपका विधानसभा द्वारा। विधानसभा ने पास कर दिया कानून और विधान परिषद ने। तत्पश्चात अनुच्छेद 200 के तहत इसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया, क्योंकि तो राज्य मैं बता भी था संविधान में कि राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, दो संविधान में क्रैश कोर्स में बताया गया था। तो राज्यपाल ने क्या काम किया कि इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख दिया, रिजर्व रख दिया। तो राष्ट्रपति आरक्षित विधेयकों पर जो अनुमति प्रदान करता है वह आपका कह सकते हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत करता है। तो इस विधेयक पर 24 जनवरी, याद रखिएगा, 24 जनवरी 1951, 24 जनवरी 1951 को आपका भारत के राष्ट्रपति ने इस बिल पर, इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की, ये याद रखना है। अब थोड़ा इतिहास कवर करना है आपका, संविधान से करना है। जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अब संविधान में देखना है, इतना इस पर स्टे अभी देना है और किस व्यू से हमें चलना है, संवैधानिक। यानी कि इस तारीख को
आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 का निर्माण हो गया, क्योंकि जिस दिन मैं बताया था साइन किया जाता है वही तारीख उस कानून के बनने की या निर्माण की तिथि होती है। अब थोड़ा संविधान देखिए, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31, दो अनुच्छेदों पर थोड़ा गौर करिए। अनुच्छेद 19(1)(f) ये बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी कि फ्रीडम होगी। फिर अनुच्छेद 31 बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अर्जन करना, संपत्ति को बनाए रखना, संपत्ति का व्ययन करने इत्यादि का एक मूल अधिकार होगा, यानी कि फंडामेंटल राइट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मूल अधिकार भी अनुच्छेद 21 में था, संपत्ति का अर्जन, बनाए रखना इत्यादि, और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति की क्या थी, स्वतंत्रता। अब समस्या ये आई, तो जो जमींदार थे या तालुकेदार थे या मध्यवर्ती कहिए, जो मलाईदार थे, यानी कि हजारों एकड़ जमीन बीघा क्या किए थे अपने पास रखे थे, तो जो कानून बनाया आपका विधायिका ने, एक तो सीलिंग एक्ट बना दिया कि 12.5 आपका, मैंने कह सकते हैं कि एकड़ से अधिक जमीन किसी के पास नहीं होगी। दूसरा आपका, मैंने एक परिवार 12.5 एकड़ ही जमीन रख सकता है, इसके बाद जो जमीनें होंगी उस परिवार के पास वो किस में वेस्टेड हो जाएंगी, सरकार में, यानि कि उन जमीनों को कौन ले लेगी, सरकार। इसके बाद जो जमींदारों के अधिकार थे, कुएं थे, तालाब थे, ये सब ये हुआ कि ये किस में वेस्टेड हो जाएंगे, राज्य सरकार में, यानी कि इन सब की मालिक कौन होगी, राज्य सरकार। तो आपका तत्पश्चात इस कानून को आर्टिकल 32 के तहत अनुच्छेद 31 के उल्लंघन के आधार पर चैलेंज किया गया कि हजूर ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, क्योंकि अनुच्छेद 31 के तहत हमें संपत्ति का अर्जन, व्ययन और अपनी संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा, और यह कानून हमारे इस अधिकार का वायलेशन करता है। अब सरकार को लगा कि ये जमींदार जीत जाएंगे और समाजवाद लाना है, समाजवाद तभी आएगा जब इन जमींदारों की जमीनें हम छीने और गरीब लोगों को क्या करें, प्रदान करें। तो कहावत यह है कि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। तो बांस कौन था, यानी कि कौन सा जो बांस था जो बांसुरी बजा रहा था, अनुच्छेद 31 था। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया क्या कि संविधान का प्रथम संशोधन करा दिया 1951 में, यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, मैं बता दूं, अभी फैसला नहीं आया था। तत्पश्चात अनुच्छेद 31 को पूरी तरह क्या कर दिया गया, समाप्त, और अनुच्छेद 31A भी जोड़ दिया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि संपत्ति का धारण करना, संपत्ति का अर्जन करना, जो ये फंडामेंटल राइट था ये पूरी तरह क्या कर दिया गया, समाप्त, और अनुच्छेद 31 को ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यही न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी, नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अब समस्या देखिए कहाँ आई, इसी के साथ एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि कौन सी शेड्यूल जोड़ा गया, 9, और ये 9वीं अनुसूची की विशेषता मैं बताया था, और विशेषता 9वीं अनुसूची की ये है कि जो कानून 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे
न्यायालय उनका परीक्षण नहीं करेगा, यानी कि वह कानून वैध है कि अवैध है, न्यायालय इस बात की जांच करने का अधिकार नहीं रखेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 बनाया गया, तुरंत इस कानून को किस अनुसूची में रखा गया? 9। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि न्यायालय इस कानून की वैलिडिटी की जांच नहीं कर सकते। अब 9वीं अनुसूची थोड़ा संभाल लीजिए। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इस पर दो केस याद रखिएगा संवैधानिक दृष्टि, मेंस में भी आ चुका है ये, एक वामन राव का और दूसरा आपका I.R. सिल्हो का। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि 9वीं अनुसूची के किसी प्रावधान से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा डिस्टर्ब होता है तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उस कानून की वैधता और अवैधता की जांच कर सकते हैं। इसका आपका दुरुपयोग देखिए कैसे किया जा रहा है। सरकारें, राज्य सरकारें कानून बना रही हैं, आरक्षण कई जगह राज्यों में 70% 80% तक पहुंचा दिया गया है, और बस उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में रख दिया जा रहा है और न्यायालय के हस्ताक्षेप से बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में ये विचार है, फिर याद रखिए कि अगर कोई कानून 9th शेड्यूल में है और उससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्टर्ब, हम उस कानून की वैधता की जांच कर सकते हैं और उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। तो अब समस्या आ गई, फिर बैक हो ये आपका भूमि विधि पर, क्योंकि जमींदारों ने मुकदमा कर दिया था और इसी बीच संविधान में क्या हो गया? संशोधन। अब संपत्ति का अधिकार जो था, अर्जन करना, धारण करना इत्यादि, वह मूल अधिकार से बाहर हो गया। तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में कही कि हजूर सभी याचिकाएं डिसमिस करिए, क्योंकि ये जिस अधिकार की मांग करने आए हैं अब वह अधिकार बचा ही नहीं। तो सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या की? डिसमिस की। जब डिसमिस हो गया, तत्पश्चात आपका कह सकते हैं कि जब डिसमिस हो गया तो तब उसके बाद आपका ये कानून आपका लागू किया गया 1 जुलाई 1952 को, यानी कि ये कानून 1 जुलाई 1952 को क्या किया गया? लागू। अब कोई समस्या नहीं आई क्योंकि अब तो वे जो यह कानून था किस अनुसूची में डाल दिया गया? 9वीं। और जमींदारों के अधिकार जो थे, भौमिक अधिकार, कुएं, वृक्ष इत्यादि, वह किस में वेस्टेड हो गए? किसने ले लिया? राज्य सरकार। राज्य सरकार ने लेने के बाद क्या किया कि ग्राम पंचायतों को दिया और ग्राम पंचायतों ने आपका भूमि प्रबंधन समिति बनाई गई, जो गरीब लोगों को जमीन का क्या करती थी? आवंट। तो इस प्रकार आपका जो अब आइए, इस प्रकार ये जो पुराना कानून हमने बताया 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में लागू हो गया आपका, इसमें आपका जो काश्तकार 14 थे, अब मेन काश्तकार पर हमें आना है, जो 14 प्रकार के भूमिधर थे, यानी कि आपका काश्तकार कहिए, खातेदार कहिए या किसानों के प्रकार कहिए, आगे हम बताएंगे, उनका 4 प्रकार में कर दिया गया, यानी कि 14 प्रकार को किस में कर दिया गया? 4 प्रकार। अभी हम चारों प्रकार बताएंगे, पहले इतिहास उधर से समाप्त हो संविधान से। ये जो 1 जुलाई 1952 है, ये डेट ऑफ वेस्टिंग कहा जाता है। डेट ऑफ वेस्टिंग का मतलब हुआ निहित होने का सिद्धांत,
समाहित होने का सिद्धांत यानी कि इस तारीख को जो जमींदार मध्यवर्ती तालुकेदार इत्यादि के भौमिक अधिकार थे वे किस में समाहित हो गए? आपका राज्य राज्य सरकार में। इसी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, डेट ऑफ वेस्टिंग, निहित होने का दिनांक। आपका ये दिया गया है, वो तो पुराना कानून है, पढ़ना नहीं है, ज़्यादा हल्का हल्का कोरलेट करके लिखते रहना है, पढ़ते रहना है। अब दूसरा ये हुआ कि जो ये अनुच्छेद 31A आया, B आया इत्यादि। हाँ, अब ये बचा था कि संपत्ति की स्वतंत्रता, पहले संवैधानिक व्यू अब समाप्त कर लिया जाए, तब चार प्रकार के कृषक बताया जाए। जो ये अब अनुच्छेद 31 तो भाई समाप्त हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। अब एक संपत्ति की स्वतंत्रता बची थी कहाँ? अनुच्छेद 19(1)(f) में। चलता रहा मामला, चलता रहा, जब जनता दल की सरकार आई और मोरारजी देसाई PM बने, तो ये हुआ कि समाजवाद के हम पोषक हैं और समाजवाद को लागू करने के लिए ये भी स्वतंत्रता क्या की जाए, समाप्त की जाए। तो संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे जोड़ा गया संविधान के अनुच्छेद 300A में, और ये कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को आपका विधि बनाकर राज्य छीन सकता है, लेकिन क्या बनाकर छीन सकता है? विधि। यानी कि एक प्रावधान जो बचा था वो भी अब क्या हो गया? समाप्त। अब समस्या देखिए विकराल कहाँ आई, फिर अभी संविधान में ही चलना है आपका। समस्या ये आई कि विधि बनाकर सरकारों ने किसानों की संपत्ति आपका कह सकते हैं छीनना शुरू कर दिया। अब यही आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें टकराव होने लगा। किसान का व्यक्तिगत हित ये है कि भाई हमारा जमीन है, हम अन्न उपजाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। सरकार का ये है कि किसानों से जमीनें छीनी जाएगी, अस्पताल बनाना है, रोड बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, आपका पार्क बनाना है, कॉलोनी बसानी है। कहाँ से जमीन आएगी? तभी तो आएगी जब जब जमीन किससे छीन ली जाए? किसान से। तो एक हो गया किसान का व्यक्तिगत हित और दूसरा क्या हुआ? राज्य का लोक हित हो गया। तो हमेशा कौन सा हित प्रिवेल करेगा? व्यक्तिगत हित की लोक हित, लोक हित। अब देखिए आपका क्या अब संविधान में आया, थोड़ा समझना है इसको। सरकार ने ये काम किया कि आपका कि जब किसान से जमीन ली जाएगी, सरकार लेगी, तो उन्हें मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। अब होने क्या लगा कि सरकार मुआवजा कम देती थी तो लोग फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे और सरकार से पूरा मुआवजा पा लेते थे। तो फिर वही कहानी, न रहेगी बांस और न बजेगी। तो मुआवजा शब्द को ही हटा दिया गया और वहाँ ये लिखा है कि इस राज्य क्या देगा? रकम देगा। तो रकम में तो भाई 10 रुपये की जमीन है तो 1 पैसा थमा दीजिए किसान को और बल्ले बल्ले। तो इसी में आपका कई जगह घोटाला हुआ। देखिए मैं घोटाला बता रहा हूँ, जो ये बड़े बड़े शहर बने हैं, गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, जो NCR में आते हैं, आपका देख सकते हैं कि यहाँ के जो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष थे अरबों के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों से आपका 10 रुपया में जो जमीन लिए थे प्राइवेट लोगों को 20 रुपया में बेच दिए, कागज पर दिखाए 20 रुपया और वसूल लिए 30 रुपया। तो ऐसी दशा में जो एक किसान एक पर 10 रुपया जो बचा, वह आपका हम रुपया में बता रहे हैं, करोड़ों में कीमत होती है। तो
देखिए इतिहास आपका, इसके बाद आपका, अब जब ये काम होने लगा और सरकार प्रतिकर की जगह पर क्या लिख दी, रकम दिया जाएगा, तो ऐसी दशा में किसानों की जमीन छीनी जाती थी कानून बनाकर, मनमाना नहीं, और किसानों को लाली पाप थमा दिया जाता था, हर एक जगह आंदोलन होता था। फिर आपका जब सरकार बदली, वर्तमान समय में क्या नियम है, वर्तमान समय में जो सरकारी कीमत है किसी जमीन की, कुछ दशाओं में 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। यानी कि सरकार ने एक सर्किल रेट निर्धारित किया है हर एक इलाके का, और जो इलाका ज़्यादा विकसित है वहाँ सर्किल रेट ज़्यादा है, और उसी रेट के हिसाब से सरकार टैक्स लेती है। जैसे ज़मीन आप दान करिए या खरीदिए बेचिए, तो देखिए स्टाम्प ले आइए, इतना टैक्स सरकार लेगी। तो अब सामान्यतः 4 गुना मुआवजा मिलता है, यानी कि अगर सरकारी कीमत 10,000 है, सरकार आपकी ज़मीन ले रही है तो आपको 40,000 सरकार देगी। इसीलिए किसान आंदोलन कम हो रहे हैं, मैं बता दूं, इसीलिए कम हो रहे हैं कि हाईवे बनाना है, रोड बनाना है, विश्वविद्यालय ही बनाना है, सैकड़ों एकड़ नैनी और तमाम जगहों पर किसानों की ज़मीनें क्या की गई, एक्वायर की गई, तो उनको मुआवजा दिया गया, और इसीलिए ज़्यादा विरोध नहीं हो पाया कि 4 गुना मुआवजा ले लिए। यानी कि 10 लाख में जो ज़मीन बेचते, सरकार ने लगभग 40 लाख रुपया क्या किया, उनके खाते में भेज दिया, तो भाई शांत हो गए। यानी कि पैसा के बल पर मुंह क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बस ये है कि लोकहित, ये वर्तमान में संपत्ति आपकी नहीं है, सरकार की है। जब चाहे सरकार कानून बनाकर आपकी संपत्ति को छीन सकती है, ये भी याद रखिए, लेकिन मुआवजा देगी, वो भी मुआवजा तब देगी जब आपका कागज पत्र सही हो कि गलत हो। अब आइए थोड़ा प्रयागराज का भी देख लिया जाए। मान लीजिए आपका 2024 में कुंभ लगना है, महाकुंभ। अब समस्या ये आएगी कि महाकुंभ में भीड़ ज़्यादा होगी, तो भीड़ होगी तो रोड चौड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, तो हो सकता है एक दो माह बाद आपको देखने को मिले कि फिर तमाम मकान क्या हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। तो उसमें ध्यान में रखिएगा, जिस जिस मकान का नक्शा पास है, सरकार केवल और केवल उसी को मुआवजा देगी, पहला नियम। दूसरा नियम ये आया, तो 90% मकान प्रयागराज में ऐसे हैं जो बिना नक्शा के ही बन गए हैं, यानी कि जो पीडीए है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, वह नक्शा पास करता है, तो बिना नक्शा पास कराए हुए 90% मकान बने हैं। जो सलोरी बखाड़ा में देख रहे हैं, सब मकान आपका अवैध है, एक भी वैध नहीं। अल्लाहपुर में भी वही हालात हैं, सरकार जब चाहे तब बुलडोजर बाबा लेकर बुलडोजर आ जाएंगे और मकानों को क्या करेंगे। अब आप कहेंगे तोड़ती क्यों नहीं, तो भाई जो विरोधी रहता है, अपराधी रहता है, 2 ही दिन में बाबा का बुलडोजर क्या होता है, पकड़ ली मैंने चला जाता है। और ये होता है कि आप नक्शा ही पास नहीं करवाए, या पास भी करवाए तो नक्शा के अनुसार आपने क्या नहीं किया, घर नहीं बनवाया, तो हमें तोड़ने का क्या है अधिकार। दूसरा नियम देखिए, आपका भूम भी चल रही है। दूसरा नियम ये है कि भाई ज़मीनें कई प्रकार की होती हैं, एक स्टेट लैंड होता है जिसे नजूल की भूमि कहते हैं, उसकी स्टेट लैंड या नजूल की भूमि का मतलब ये हुआ कि उसकी मालिक आपका सरकार है, बस आप कब्जाधारी हैं। यह याद रखिए, एक होता है आपका फ्री होल्ड, फ्री होल्ड का मतलब ये हुआ कि आप कब्जाधारी भी हैं और स्वामी भी हैं। तो अगर जो ज़मीनें फ्री होल्ड हैं, तो फिर जब आप मने खतौनी खसरा निकालते हैं, तो उसमें आपका कब्जेधारी का नाम, स्वामी का नाम लिखा रहता है। तो
एक बात याद रखिए, जहाँ भी कागज देखिए, अगर स्वामी के खाने में नाम लिखा गया है किसी व्यक्ति का, इसका मतलब कि वह फ्री होल्ड की जमीन है। और अगर कब्जेधारी के नाम लिखा गया है, स्वामी का नाम का कालम गायब है कौन है, इसका मतलब कि वो सरकारी जमीन है। और अगर आपने मकान सरकारी जमीन पर बनाया, यानी कि नजूल भूमि या इस्टेट लैंड कहा जाता है, तो सरकार जब चाहे तब आपको मकान भी गिराएगी, गिराने का आपका पैसा भी वसूल लेगी और एक पैसा मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि आपकी ज़मीन नहीं है, आपने तो उस पर कब्जा करके क्या बना लिया है, मकान। तो ये ज़मीनों के प्रकार हुए। अब काश्तकार लास्ट में देख लिया जाए, ताकि पुराना कानून कम से कम एक दिन में भूमिका जो इतिहास रहता है समाप्त हो, तभी तो नया कानून 2006 का चलेगा। देखिए, जब ये जो 14 प्रकार की काश्तकारियाँ थी, यानी कि 14 प्रकार की काश्तकारियाँ का मतलब कि 14 प्रकार के जो ये किसान थे, तो 14 प्रकार के किसानों को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 के तहत 4 प्रकारों में बांट दिया गया। 14 को कितना कर दिया गया? 4। पहले भूमिधर हो गया, यानी कि पहला प्रकार भूमिधर, दूसरा अधिवासी, अधिवासी हो गया, तीसरा सीरदार हो गया, और चौथा आसामी। आसामी यानी कि टेनेंट या किराएदार, मालिक की सहमत से अपना किराया दे रहे हैं, जोत बो रहे हैं। अब ये जो दो होंगे ये हटेंगे बाद में, और जो आपका कह सकते हैं भूमिधर होगा, उसको दो प्रकार आ जाएंगे। एक आपका कह सकते हैं कि ऐसा भूमिधर जो अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकता है, और एक ऐसा भूमिधर आएगा जिसे जोते बोने का अधिकार है, मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी तो पाएंगे लेकिन किसी को उसे बेचने का, दान देने का अधिकार, तो इसी में आपका चलना है। तो 4 कौन कौन हो गए थे आपका? कृषक, एक भूमिधर, दूसरा कौन? अधिवासी, तीसरा और चौथा आसामी। देखिए, आसामी आज भी बना हुआ है, ये याद रखिए। एक सरकार ने सरकारी पट्टेदार को शामिल कर लिया है, तो एक आसामी आज हम पढ़ेंगे, एक जो सरकार पट्टा देती है जमीनों की वो पढ़ेंगे, और भूमिधरों को कितने वर्गों में बांट देंगे, दो। अब आप कहेंगे कि ये बीच वाले दोनों क्या हुए, इन्हीं का थोड़ा इतिहास हमें देखना है। देखिए, जो सबसे आपका निकृष्ट कटघरी का था, जो सबसे कम अधिकार रखता था, वह सिरदार था। और ये हुआ था कि 5 साल बाद 4 साल बाद ये सिरदार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, तो सरकार ने समय बीतने के पहले ही संशोधन किया इस कानून में, और आपका 30 अक्टूबर 1954 को सिरदार की कैटेगरी समाप्त करके इसे क्या बना दिया? अधिवासी। और सिरदार जो कुछ समय बाद क्या होने थे, अपने आप समाप्त होने थे, वो बच गए। तो पहले तो 1954 में सिरदार को क्या बना दिया गया? आपका अधिवासी। फिर 1977 में अधिवासी को समाप्त किया गया, और भूमिधर को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक ऐसा भूमिधर जो अपने आपका भूमि का ट्रांसफ़र कर सकता था, यानी कि बेच सकता था, दान दे सकता था, पट्टा दे सकता था, और एक ऐसा भूमिधर जिसे अपने ज़मीन का ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं था। हाँ, वह जोत बो सकता था लेकिन किसी को बेच और दान इत्यादि नहीं दे सकता था। तो 1977 में ये भी क्या हो गया? आदिवासी समाप्त। तो वर्तमान समय में जो आपका बचा है, 4 बचे हैं, याद कर लीजिए। एक ऐसा कृषक जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाता है, ट्रांसफरेबल राइट वाला, यानी कि जिसे अपनी ज़मीन अंतरित करने,
अर्थात बेचने, दान देने, पट्टा करने, बंधक रखने का क्या है अधिकार? एक ऐसा भूमिधर दूसरा जो जोत बोत हो सकता है, जमीन का मालिक है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता कि उसे ट्रांसफर, आप रहिए, कब्जा जमाए रहिए, आपके मरने के बाद आपके पुत्र पुत्री पाएंगे संपत्ति, लेकिन आप बेच इत्यादि नहीं सकते। इसके बाद आसामी, आसामी माने टेनेंट या किराएदार, मालिक की सहमत से किराएदार है, पैसा दे रहा है और जोत बो रहा है। और चौथा सरकारी पट्टेदार आ गए, सरकार ने पट्टा दिया कि आप जोतिए बोइए जमीन को, आप जोतिए बोइए, तो सरकारी पट्टेदार आ गए। लास्ट में देखिए जो ये कानून, चूँकि ऐसे कानून आपका ये जो कानून हमने बताया ये केवल और केवल यूपी में लागू था, बिहार और एमपी में नहीं। ये बताइए अभी बताया गया लेक्स लोसी हुआ कि लेक्स फोरी? लेक्स फोरी कहाँ हुआ भाई? लेक्स लोसी माने स्थानीय विधि, यानी कि केवल उत्तर प्रदेश में ही ये कानून क्या था लागू। अब बिहार में अलग बना, आपका हर एक राज्य ने अलग अलग कानून बनाया। अब थोड़ा दिमाग अस्थिर करके लास्ट लाइन देखनी है, बिहार में भी ऐसा कानून बना हर एक राज्य में, तो बिहार में ज़्यादा इसका मिसयूज किया गया। देखिए क्या हुआ, जब सीलिंग एक्ट आया कि एक परिवार इतना से अधिक जमीन अपने पास नहीं रख सकता, तो बिहार में जो जमींदार थे उन्होंने एक काम किया कि सरकारी कर्मचारियों से साठ गांठ करके और कागज पर एक ही परिवार और 200-300 में बंटवारा हो गया, यानी कि परिवार का क्या कर दिए बंटवारा, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के नाम पर आपका जमीन का नाम हो गया, यानी कि आपका एक परिवार था कितनों में बांट दिया गया, 100 में, भाई 100 लोगों के पास अब जमीन देखी जाएगी। तो इसी प्रकार आज भी बिहार में और यूपी में आप कुछ जगहों पर देखेंगे एक काश्तकार के पास 500 बीघा 1,000 जमीन है। क्यों? क्योंकि कागज पर खेल हो गया और वास्तव में वह व्यक्ति था ही नहीं, यानी कि एक पुत्र है तो चार पुत्र बना दिया गया, चार चार के 12-12 लड़के बना दिए गए, कहीं कोई अस्तित्व में है नहीं, और कागज पर सब पुत्र पुत्री क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं। इसमें लेखपाल साहब भी खाए, लेखीवाल भी खाए, और अधिकारी भी खुश हुए क्योंकि उनको क्या मिल गया, पैसा। तो सबसे ज़्यादा आपका जो दुरुपयोग किया गया कानून का वह आपका बिहार में किया गया, और आज भी आपका कह सकते हैं स्थिति सुधरी है लेकिन पूरी तरह नहीं सुधरी। आज भी जो कागज में नाम रहेगा वही मान्य होगा, धरातल पर कुछ भी हो। आपका जानते हैं कि भाई गांव में पहले घुस जाइए बिहार में, तो पुलिस गांव में घुसने से कतराती थी कि कब बम वम फेंक दे गांव वाले, कब हमला कर दें, कोई भरोसा नहीं। यूपी पुलिस और बिहार की पुलिस में अंतर है, बिहार में गांव में घुसिए तो खतरा है, यहां तो इनकाउंटर कर देंगे, यूपी पुलिस वाले बाबा का बुलडोजर और गन चलता रहता है आपका। तो ये कहानी एक बताई गई, भूमविद का आज इतिहास बताया गया कि जन्म से लेकर और जो आज़ादी के बाद कानून बने, कल से आपका जो नया कानून इसके बाद बना, इसको निरसित किया गया है जो हमने बताया, और नया कानून 2006 का है उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता। तो कल से आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता शुरू होगा, उसकी पहले विशेषता तब आपका इत्यादि बातें। सबसे पहले आपका जो ये काश्तकार के चार प्रकार हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, प्रकार बताइए इनके अधिकार बताइए, मेंस में जो क्वेश्चन बनता है यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पहले यहीं बताया जाएगा भूमिका उमका बांध के। तो कल हाँ भाई, जो लोग डेमो ले रहे हैं आपका कल परसों तक भाई एडमिशन ले लें, क्योंकि आपका ज़्यादा दिन डेमो क्लास नहीं दिया जा रहा है, आप एक दो दिन पढ़ें,
पढ़ ही चुके हैं, समझ में आ रहा हो तो एडमिशन करा लीजिए, ना समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं। क्लास चलेगा भाई वहीं लगभग 5:45 बजे।